और ये देखते हुए कि अब एल्डर मनीष का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका है, अब हॉल मास्टर मोहन की तरफ देखने लगे। अच्छा तो ये मोहन है, क्या यही है जिसने यहाँ पर आकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है? अब आपको अपना गुनाह स्वीकार करना होगा कि जो आपने यहाँ पर किया है वह गलत किया था। लेकिन अगर आप एक बार अपना गुनाह स्वीकार भी कर लेते हैं तो फिर भी हम लोग यहाँ से आपको जिंदा नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपनी उंगलियां हल्की से चटकाई और उनके पास में से अब छोटे छोटे कीड़े निकलकर बाहर आने लगे। वह नाखून के साइज के कीड़े थे। उन सभी कीड़ों की पीठ और पंख गोल्डन कलर के थे और वह सूर्य की याद दिलाने की चमक छोड़ रहे थे। वह बहुत ही ज्यादा जहरीले कीड़े थे। उनका नाम डार्क गोल्ड वेनम बीटल्स था। इनके अंदर इतना ज्यादा घातक जहर होता है कि इसके साथ में किसी भी संत रेवल स्टेज 3 के लड़ाकों को आराम से मारा जा सकता था। और वहीं जैसे ही उन सभी ने देखा कि होल मास्टर ने किस तरह की कीड़ों को बाहर निकाल लिया, तो वहां पर खड़ी हुई पब्लिक उन्हें देखकर उनके अंदर उत्तेजना बढ़ गई और वह उत्सुक हो गए। वह देखना चाहते थे कि आखिरकार वह कीड़े कितने ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वह जानते थे कि होल मास्टर के पास में ऐसे बहुत से कीड़े थे और उन कीड़ों की कुल संख्या 9 थी। वह जानते थे कि होल मास्टर ने किस तरह से बहुत मुश्किल से उन कीड़ों को पाल पोस कर बड़ा किया था, उनके ऊपर कितने ज्यादा पैसों का झोंक दिया था और उसके साथ में खून का भी यूज करते हुए उन्हें बड़ा किया था। और यहाँ तक कि संत लेवल स्टेज 3 का लड़ाकू तो क्या, संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू भी इन कीड़ों से बचकर भागने की कोशिश जरूर करेगा। उसके बाद में होल मास्टर आगे बढ़ा और उसने कहा, मैं तुमसे एक और बात बोलता हूँ, तुम अगर अपनी आंखें खोलते हो तो तुम बच जाओगे, वरना तुम यहीं पर ही मारे जाने वाले हो। लेकिन ये देखते हुए कि अब सामने वाला कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, होल मास्टर ने जल्दी से अपने सभी कीड़े मोहन की तरफ छोड़ दिए और अब सभी कीड़े एक साथ मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पंखों के अंदर से गोल्डन पाउडर बाहर निकल रहा था, जो एक प्रकार का जहर था। अब नितिन के पास जाते ही वह उसे काटने लगे, कच कच कच, और वहां पर सभी तरफ इसी तरह की आवाजें आने लगी। सभी को ऐसा ही लग रहा था कि अब मोहन का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये सभी कीड़े इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं और इतने ज्यादा जहरीले हैं कि यहाँ पर कोई भी उनसे नहीं बच सकता था। हमारे पास में जो कीड़े हैं ना, वो भी इनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कीड़े ही अलग तरीके के हैं। इनको पाल पोस कर बड़ा करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, तुमने सही कहा, हमारे होल मास्टर के पास में ये सभी कीड़े बड़ी मुश्किल से आए हैं। इन्होंने बहुत सारे कीड़े पाले थे, लेकिन उनमें से केवल 9 ही बच पाए थे। वहां पर खड़े हुए सभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि वह कीड़े कितने ज्यादा जहरीले हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी वह सभी कीड़े नितिन को काटे जा रहे थे, लेकिन मोहन अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। होल मास्टर भी उसे देखे जा रहे थे। तुम जितना सहन करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर थोड़ी देर के अंदर इस जहर का यूज होने लगेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से तुमने यहाँ पर सभी को मारकर कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन हालांकि वह अचानक से सभी कीड़े हवा के अंदर उड़ने लगे और वह ऐसे झूमने लगे जैसे कि वह बहुत ही ज्यादा नशे के अंदर हो। और थोड़ी देर बाद में वह सभी कीड़े एक एक करके नीचे जमीन पर गिरने लगे। वह सभी बहुत ज्यादा नशे के अंदर थे। वहीं दूसरी तरफ उन सभी कीड़ों की ऐसी हालत देखने के बाद में होल मास्टर का भी बुरा हाल होने लगा था, क्योंकि वह सभी उन्हीं के साथ में जुड़े हुए थे। और होल मास्टर का चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा, उनके कदम लड़खड़ाने लगे और कुछ ही पलों के अंदर वह घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने खून की उल्टियां कर दी। उसने नजरें उठाते हुए अपने सभी कीड़ों को जमीन पे पड़े हुए देखा। उन सभी बीटल्स को ऐसे नीचे पड़े हुए देखकर होल मास्टर का चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उन बीटल्स के ऊपर इतना ज्यादा समय बर्बाद किया था, ऊपर से उनको ताजा खून पिलाया, उनके ऊपर इतने ज्यादा पैसे लगाए, फिर भी वह ऐसे कैसे मर सकते थे। होल मास्टर को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ में अभी क्या हुआ, क्योंकि अगर आमतौर पर बोला जाए तो वह सभी बीटल्स होल मास्टर के बच्चों की तरह थे। उन सभी 9 बीटल्स को पालने के लिए उसने कितनी ज्यादा मुश्किल और कितनी ज्यादा मेहनत की थी। वहीं दूसरी ओर अपने सामने का नजारा देखने के बाद में वहां पर खड़े हुए सभी एल्डर्स बहुत चक्के रह गए। आखिरकार ये हो क्या रहा है, एक एल्डर ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कीड़े ऐसे ही मर जाएं? नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है।
उसकी बात सुनते हुए दूसरे एल्डर ने आगे बढ़ते हुए उससे कहा, हाँ हाँ मैंने सही कहा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह बीटल से जहरीले कीड़े ऐसे थोड़े ना मर जाते हैं। हाँ तो फिर उनके मरने का क्या कारण होगा? एक तीसरे एल्डर ने बीच में कूदते हुए कहा, अरे क्या क्या कारण होगा, मैं तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक कि भाई वो बीटल्स केवल जहर के साथ में मर सकते हैं। अरे तो उन्होंने कभी जहर दिया? हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसने अभी तक आंखें नहीं खोली, तो फिर उसने जहर कब दे दिया? हमें समझ नहीं आया तुम क्या कहना चाहते हो। फिर अचानक से उन सभी को कुछ याद आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके खून के अंदर ही जहर हो? नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तुम्हें पता है ना बड़ी मुश्किल से पॉइजन बॉडी मिलती है। तो फिर इसके पास में ऐसा नहीं हो सकता? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर वो इतने ज्यादा मर कैसे गए? ऐसा हो सकता है क्या सामने वाले ने पहले ही अपने अंदर बहुत खतरनाक जहर डाला हुआ हो? क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि उन बीटल्स को मारने के लिए कोई नॉर्मल जहर का यूज नहीं किया जा सकता। जो हमारे पास जहर है उसके साथ में भी हम उन बीटल्स को कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो इसका मतलब मोहन के पास में हमारे से भी ज्यादा खतरनाक जहर पड़ा हुआ है। वहां पर खड़े हुए सभी जहर मास्टरों को अभी तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह बीटल्स मर कैसे गए, क्योंकि वह भी जानते थे कि वह होंगयांग साम्राज्य के अंदर जहर होल का सबसे बड़ा ठिकाना है, जहां पर बहुत ताकतवर जहर मास्टर्स रहा करते हैं। और उनकी इस तरह की सफलताओं को देखते हुए वह ये बता सकते थे कि उन बीटल्स को केवल जहर देकर ही मारा जा सकता है, वो भी केवल ग्रेड 7 या ग्रेड 8 के जहर के साथ में ही। वह सभी ऐसे बातें कर ही रहे थे, अचानक से होल मास्टर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस समय होल मास्टर के अंदर वह शिष्टाचार और वह सम्मान या फिर उस बूढ़े व्यक्ति की एक भी झलक नहीं दिख रही थी जो यहाँ पर राज किया करता था। वह अभी पागल सांड की तरह खड़ा होकर नितिन को देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो रखी थी, ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई लाल कपड़ा हो और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा हो, और वह ऐसी हरकतें कर रहा था मानो वह सामने वाले दिखने वाले उस युवक को चीरे बिना नहीं रहेगा। वह उसके अंदर अपने सींग घुसा देना चाहता था। अभी होल मास्टर के गुस्से का कारण यह नहीं था कि उनके सभी कीड़े मारे गए थे, या फिर उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे पैसे झोंके थे, या फिर उन्होंने उन्हें जहर और बहुत से खून पिलाकर बड़ा किया था और उन कीड़ों को मरता हुआ देखकर उनके गुस्से का पारा नहीं चढ़ना था। लेकिन उससे अलग बात यह हुई थी कि वह सभी कीड़े होल मास्टर की आत्मा के द्वारा जुड़े हुए थे, और जब वह सभी मर गए तो उसके साथ में अब होल मास्टर की आत्मा के ऊपर भी अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें भी बहुत गहरी चोट पहुंची थी, जिसके कारण अब उनकी साधना के अंदर भी गिरावट आ गई थी। जहां वह संत लेवल स्टेज 3 की ताकत का यूज किया करते थे, अब तो ये देखकर ये लग रहा था कि शायद वह संत लेवल स्टेज 2 के शिखर की कल्टीवेशन को भी यूज कर पाए या ना कर पाए, वह तो अब भगवान के भरोसे छोड़ दिया जा सकता है। और अब ये देखते हुए कि अब सामने वाले को जहर देकर नहीं मारा जा सकता, और अब होल मास्टर ये समझ चुका था कि सामने वाले को जहर का उपयोग करके नहीं मारा जा सकता, क्योंकि अब तक तो उनके कीड़ों ने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। इसके साथ में अब उसने अपनी एनर्जी को आसमान के अंदर भेजा और पूरा ओरा सारे आसमान के अंदर फैल गया। अब वह एनर्जी आसमान से नीचे उतर रही थी एक हथेली सेब के अंदर। वह अब मोहन की तरफ बढ़ने लगी थी, उसके अंदर अपार शक्ति भरी हुई थी, उसके चारों ओर पर्पल ओरा बिखरा हुआ था, बिजलियां कड़क रही थी, आसमान ऐसा लग रहा था कभी भी फट सकता हो। अब वह मोहन की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन ये देखते हुए कि उसी बॉडी को अब कोई नुकसान होने वाला है, मोहन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। और फिर अगले ही पल उसने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से एक भाला बाहर निकाल लिया। अब वह भाले के साथ में खड़ा हुआ था, और अब भाला और वह अब दोनों एक साथ मिल चुके थे। फिर उसने अपने भाले को ऊपर उठाया, जिसके साथ में अब उसकी एनर्जी आसपास के एरिया के अंदर फैल गई, और अब एक बड़ा सा अजगर जमीन के अंदर से निकलता हुआ बाहर आ रहा था। वह आरव के भाले से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। एक ग्रीन कलर का अजगर जमीन से बड़ा सा मुंह लेते हुए बाहर निकल रहा था। वह बहुत ही बड़ा था, उसको देखने से कोई भी लड़ाकू वह पहले ही अपनी हार मान सकता था। अब वह ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था, जहां से वह पामटे उसके ऊपर आ रहा था, और फिर एक पल बाद में बूम
दोनों ही दोनों अब आपस में टकरा गए। आसमान में इतने खतरनाक शॉकवेव्स बनने लगी और कुछ ही पल के अंदर दोनों अटैक्स एक साथ मिलकर खत्म होकर वहीं पर ही एनर्जी फैला दिए। आसपास का पूरा वातावरण उस एनर्जी के चलते हुए बदल गया था, लेकिन सामने वाले का अटैक इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके साथ में नितिन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया।